नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। अरवल जिले के कलेर थाना सेक्टर के राष्ट्रीय राजमार्ग 139 पर दिलावरपुर राजधानी होटल के समीप एक ट्रक से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर ट्रक को जब्त कर लिया है और थाने लाकर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शराब की गिनती की गई। विभिन्न प्रकार के उत्पादों जो सामान्य यूज में आते हैं उसके अंदर छुपा करके शराब ले जाई जा रही है। इस पर थानाध्यक्ष कलेर, डीएसपी हेडक्वार्टर विपिन और हम तीनों लोग सादी वर्दी में सादे वाहन से चेकिंग के काम में लग गए ताकि शक ना हो। और एक वैसे ही लक्षण दिखता हुए दो तीन ट्रकों को जांच किया गया। उनमें से एक ट्रक के अंदर लगभग विभिन्न कैपेसिटी के कार्टून पाए गए हैं। 353 में 148, 375 ml के हैं, 86, 180 ml के और 119, 750 ml की क्षमता वाले कार्टून हैं, जिनका कुल अंकित मूल्य यदि जोड़ा जाए तो 18,84,000 रुपया और मार्केट रेट जिस पर ब्लैक में बिकती है। गया में भाजपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर की सफलता पूर्वक संचालित करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने जिला अध्यक्ष समेत जिला कमेटी को धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही उन्होंने मीडिया के समक्ष एक बड़ी बात कहते हुए उन्होंने कहा कि देश विरोधी जो भी शक्तियां हैं बिहार के हर कोने में है, उनको पकड़ा जाए, ऐसा ना हो कि साजिश के तहत बचाया जाए। देश विरोधी जो शक्तियां बिहार के विभिन्न हिस्सों में है, उन सबों को हर हालत में पकड़ा जाए। ऐसा नहीं हो कि एक साजिश के तहत उनको बचाने के लिए पूरा का पूरा जो मुद्दा है उसको भटकाने का प्रयास किया जाए। मेरे प्रशासन से यही अनुरोध है कि जो मूल मुद्दा है, जिन्होंने इस तरह की कल्पना की कि हम 2047 में एक आईसिस राज्य की स्थापना करेंगे और जो कायर बहुसंख्यक समाज है उसको हम समाप्त कर देंगे, इस सोच को समाप्त करना बहुत जरूरी है। गया शहर के वार्ड संख्या 30 के भट्ट बिघा, अशोक नगर, कोऑपरेटिव कॉलोनी आदि मोहल्ले वासियों ने पेयजल सप्लाई आपूर्ति नियमित नहीं होने से आक्रोशित मोहल्ले वासियों ने अनुग्रह कॉलेज कटारी मोड़ के समीप सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। वहाँ भी आश्वासन वही दिया कि आप पाइप विस्तार हो जाएगा, मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और जाकर के हम लोग डिप्टी मेयर और मेयर दोनों को 21/4/2022 को दिया लेटर, मगर आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम लोग अजीज होकर करके रोड है। सर, पानी का परेशानी है, हम लोग को यहाँ 4 टैंकर आता है लेकिन उसमें हम लोग का समस्या का हल नहीं होता और इसमें मारपीट वगैरह वगैरह गाली गलौज सब कुछ होता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को टैंकर नहीं चाहिए, हम लोग को सप्लाई चाहिए। अगर सप्लाई मिलता है तो हम लोग ये धरना प्रदर्शन हम कर रहे हैं ना नगर निगम को कि हमको टैंकर ना चाहिए, हमको घरे घरे सप्लाई चाहिए, टंकी भर जाए के चाहिए। दोनों टाइम सांझ भी रेला पानी आना चाहिए। गया शहर के गांधी मंडप में महादलित परिसंघ का जिला इकाई की बैठक की गई। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष प्रभात कुमार राउत समेत सैकड़ों महादलित उपस्थित हुए। बैठक में जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार मांझी को गया महादलित परिसंघ का सहमति से जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया। महादलित विकास मंच के संघर्ष के कारण ही आज टोला सिला का विकास भी इसकी बहाली हुआ, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भवन रावत। औरंगाबाद जिले के मदनपुर थाना अंतर्गत जंगली इलाकों में सीआरपीएफ कोबरा एवं जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले खाने पीने के सामानों के साथ विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। जैसा कि दिनांक 9 तारीख से योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाया गया था, जिसमें 205 बटालियन और अभियान दल जिला पर उनको शामिल करके जो नक्सलियों के जो इनके गढ़ रहे हैं, इनके जो गुफाएं रही हैं, उनको खोजबीन करके उनको नष्ट करने का और आईडीज को निकालने का कार्य हमने किया गया। उन्हीं की सूचना मिली, उस पर कोबरा बटालियन की कमांडिंग स्तर लोग सीआरपीएफ फौज मदनपुर थाना के संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया। वहाँ पे 7 से लेके 15 तक कंटिन्यू ऑपरेशन ये चला है। उसमें बहुत सारे आईडी वगैरह बरामद हुए, बहुत सारे बम बरामद हुए जो वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नालंदा में फिरौती के लिए एक किशोर का अपहरण किए जाने का मामला सामने आया है। घटना बिहार थाना
क्षेत्र के धनेश्वर घाट मोहल्ले का है, जहां ट्यूशन पढ़ने आए छात्र को दो बाइक पर सवार चार बदमाशों ने अपहरण कर लिया। चार लोग आए 220 पल्सर बाइक, तो वहाँ जब मेरे को किडनैप करके ले गए, पिस्टल भी रहा था। कब ले गया था? 9:50 के टाइम था। किस दिन? आज के डेट में। आज ही ले गया? हाँ। फिर क्या हुआ, कहाँ ले गया था? फिर लेकर वो दीपनगर होते हुए ले गए थे, उधर नालंदा के साइड, जहाँ से पहाड़ दिख रहा था। क्या पट्टी बांध के ले गया था या ऐसे ले गया? ऐसे ही ले गया था, मूड़ी उठाते थे तो मारता था। मूड़ी उठाते थे मारता था? हाँ। क्या चीज़ मारता था? ये बेल्ट से मारता था, वहाँ तो उतारने के बाद बेल्ट से मारता था, अगर पीछे पिस्टल से मारता था। वो पैसा लिया पहले, तो उसके बाद छोड़ा। कितना लिया है? 20,000 लिया है। आजमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवगांव पंचायत के देवगांव लक्ष्मीपुर गांव में भूमि विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला करीब एक माह पूर्व से चल रहा था, जबकि जनता दरबार में भी सुनवाई के लिए दोनों पक्ष से मामला चल रहा था। बावजूद इसके मामला खूनी झड़प तक पहुंच गया। इस खूनी झड़प में दोनों पक्ष से आधे दर्जन लोग घायल हो चुके हैं। हम लोग अपना अपना काम में चले गए, हमको लोग को क्या पता था कि उन लोग आदमी लेके आए, 15-20 आदमी बाहर से मंगाया, पूरा फैमिली सब कटिहार से, उसका भाई सब रहता है, पूरा फैमिली और दोस्त सब कोई मिल के उन लोग घर उतारना स्टार्ट किया। हमारा भाई घर में था, हम लोग अपना अपना काम में चले गए थे, सब बेटा भतीजा सब लेके। हम लोग का जमीन था, हम लोग अपना टट्टी उट्टी जो है हटा रहे थे, और उन लोग आकर के मारपीट शुरू कर दिया। कौन लोग? कपिल शर्मा लोग। उन लोग पूरा 15-16 आदमी से पूरा फैमिली लेकर के आकर के वहाँ में सीधे लाठी लेकर के भरसाना शुरू कर दिया। उसके बाद में जब हमारा भाई का माथा फोड़ दिया इसका, तब हम उस पर हम भी लड़ाई के लिए भिड़े। यहाँ पे दो गुटों के बीच में लक्ष्मीपुर एरिया यहाँ पर बताया जा रहा है, उसमें दो गुटों के बीच में काफ़ी मारपीट हुआ, झड़प हुई है, दोनों साइड से लोग घायल हैं। तो पहले पक्ष के लोग जो हमारे पास पहले आए हैं, उनसे पहला पक्ष हो गया, उसमें से तीन लोग अभी तक आए हैं, उसमें तीनों से तीनों को चोट आई है। उसमें से एक मरीज के जो सर के हिस्सा पार्ट है, ये जो स्कल होता है, ये काफ़ी बड़ा स्वेलिंग हो रहा है, धीरे धीरे वो स्वेलिंग बढ़ता जा रहा है, उसको हमने यहाँ पे इलाज करते हुए उसको सीटी स्कैन के लिए उन्होंने हायर सेंटर दिया। विशेष समकालीन अभियान के तहत आजमनगर पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के अलग अलग तीन गांव में छापेमारी की गई, जहां 80 लीटर देसी महुआ शराब के साथ तीन शराब तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। विशेष समकालीन अभियान था, जिसमें कई जगहों पर छापेमारी किया गया, जिसमें वाजीपुर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और वहाँ से 40 लीटर शराब बरामद हुआ। उसके बाद महतपुर में छापेमारी की गई, वहाँ से 20 लीटर शराब बरामद हुआ और वहाँ से गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बरहट में सूचना मिलने पर वहाँ भी छापेमारी किया गया, वहाँ से 20 लीटर शराब की बरामद की गई, टोटल 80 लीटर शराब बरामद किया गया, तीन व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। बिहार में पंचायती राज चुनाव के बाद जीते हुए जनप्रतिनिधि अब अपने में संगठनात्मक चुनाव करने लगे हैं। इसी को लेकर पूर्वी चंपारण जिला उपप्रमुख के संगठन का चुनाव हुआ, जिसमें बतौर अध्यक्ष के रूप में पूजा रोशन को संगठन का अध्यक्ष बनाया गया। जी, इसके लिए बहुत बहुत सारे उपप्रमुख जन को धन्यवाद, और मैं चाहूंगी कि सब मिलके हम लोग कार्य अच्छे से करें, और सबका साथ हमें चाहिए, और सब लोग हम लोग मिलके ही कार्य करेंगे। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।